सो है एवरीवन एंड वेलकम बैक। और फाइनल टाइम आ ही गया है जहाँ पर तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले हो और मैं उनका आंसर दूंगा। तो क्या तुम लोग रेडी हो? वैसे तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे, इस वजह से मैं ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैंटम गेमिंग 19 ने, और ये भाई साहब पूछते हैं, माई क्वेश्चन इज डू यू नो अबाउट पोकेफैन एमटी। तो कौन है ये बंदा भाई जिसके बारे में मैं नहीं जानता? चलो एक बार सर्च किया जाए कि कौन है ये बंदा पोकेफैन एमटी। भाई नाम सुनासा क्यों लग रहा है मुझे, एक बार सर्च किया जाए। नो रिजल्ट फाउंड। भाई सच में नहीं जानता क्या ये मुझे? वैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछे है शुभम द बैड बॉय 07। अरे भाई इतना खतरनाक नाम। तो इनका क्वेश्चन है क्या तुम्हें वाटर होटल के डरावने सपने आते हैं? तो तुम्हें से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि डरावने सपने और वाटर होटल ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। तो देखो अगर तुम मेरी पिक्सल मॉन की सीरीज को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि उसमें एक डरावना वो वाटर होटल था। तो भाई हाँ, पहले बहुत ज़्यादा सपने आते थे डरावने, लेकिन अब वाटर होटल के कम डरावने सपने आते हैं, लेकिन भाई अभी भी आते हैं। और अब हम चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो पूछा है मिस्टर अमान या अमन ने। भाई मैं अगर किसी का नेम गलत प्रोनाउंस कर दूँ ना तो माफ़ करना। बाकी इनका पहला क्वेश्चन है आपका नाम क्या है? अरे भाई ये क्वेश्चन हर किसी के नाम में देना पड़ता है क्या? तो चलो मैं सारी अपनी कॉमन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दे देता हूँ। तो अगर नेम की बात करें तो अब्दुल अहद एज 16, और अगर क्लास की बात करें तो फर्स्ट ईयर में, भाई उसका भी कुछ दिन में एंड होने वाला है। और स्टेट की बात करें तो यूपी से हैं। और भी कोई क्वेश्चन रह गए क्या? ओह अच्छा अच्छा अभी और क्वेश्चन भी है भाई के। तो इनका थर्ड क्वेश्चन है जीएफ कौन है और कितनी है? 5 या 6? भाई इतनी नहीं है यार, एक भी नहीं है, सिंगल पड़े यहाँ पर। और वैसे एक बात बताओ तुमने ये 5 या 6 क्यों लिखा यहाँ पर? और यहाँ पर हमारे भाई ने लास्ट क्वेश्चन पूछा है फेस रिवील। ओ भाई मैंने तो प्रोमिस किया था कि 100K पर फेस रिवील करूंगा। क्या और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड? भाई ये मेरा फेस, और जिसने भी भाई मेरे फेस रिवील मांगा था तो देख लो यार, शायद तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के जैसा ही हो। हाँ भाई और क्या ही मिलेगा तुम्हें 100 के सब्सक्राइबर्स में। लेकिन ठीक है अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि पूछा है हमारे सोमी वेब गेमिंग ने। तुम भाई को नहीं जानते ना भाई, इतने दिन हो गए वीडियो अपलोड करे हुए। मैं इतना बोल रहा था कि वीडियो अपलोड करो लेकिन करनी नहीं है भाई को, कुछ सबिंग कर रहे थे। तो ठीक है अभी भाई आएगी वीडियो उनकी भी। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इसके लिए? तो वैसे हाँ करते हैं, लेकिन फुल टाइम के बारे में मैंने बोल भी दिया ना भाई, चप्पलें पड़ेंगी। तो इसी वजह से भी नॉर्मल जैसा चल रहा है उस पर तो सपोर्ट मिलता है। और बाकी अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि पूछा है हमारे पोके गेमर ने। और ये पूछते हैं एक ऐसी चीज़ बताओ जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। सब्सक्राइबर्स नहीं बोल सकते, अपने पेरेंट्स नहीं बोल सकते, तो भाई क्या बोले हम? और चलो ठीक है सोचने दो, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। तो शायद गेमिंग ये, और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बोलूँगा? नहीं भाई वैसे तुम भी काफ़ी ठीक। अरे अरे भाई चप्पल क्यों लेकर आ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एप्पल मीमर ने, और ये पूछते हैं व्हाई स्टॉप मेकिंग थ्योरी वीडियोस। तो देखो जो टाइम था जब मैंने थ्योरी वीडियोस बनाना बंद किया था तो उस टाइम पर भाई क्लिकबेट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से भाई मैं तो क्लिकबेट इस तरीके से कर नहीं सकता था। तो फिर भाई मैंने सोचा कि अब थ्योरी वीडियोस नहीं बनाते, और वैसे भी यार टॉपिक्स हो रहे थे खत्म। और अगर अभी भी देखोगे ना तो उन बंदों की जितने भी अब थ्योरी वीडियोस बना रहे हैं तो भाई इतने अजीब टॉपिक्स मिलेंगे या फिर रिपीटेड टॉपिक्स मिलेंगे भाई सच में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं नेंसियल सेप्टेल ने, और ये पूछते हैं कि 100 के होने पर कैसा लग रहा है? तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस रिवील ये भाई ये चलो ठीक है। और इनका थर्ड क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि पोके मैट्रिक्स आपको अपना क्या मानता है? तो ये पोके मैट्रिक्स कौन? तुम
मैं दुश्मन नहीं भाई, मुझे पता है हम दोस्त मानते हैं भाई, फ्रेंड्स हम लोग, सच में थोड़ी बहुत बातें शायद कर लेते हैं, पता नहीं भाई। ओ पोकी मैट्रिक्स भाई मेरे पीछे को आ रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पोके एम न्योरी, पूछते हैं कि अगर मैं पोकेमोन होता तो मैं ऐश, रेड और गोल्ड में से किसे अपना ट्रेनर चुनता। ओ भाई ऑब्वियसली ऐश को चुनते हम, क्यों? क्योंकि वो भाई ट्रेनिंग करने को नहीं मिलती, तो भाई मैं ऐश को चुनता। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पिकअप प्लीज न्योरी, पूछते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ माइनक्राफ्ट कब खेलोगे। तो मैं एक सर्वर बनाने की सोच रहा हूँ अभी, तो वैसे वो फ्री सर्वर होगा क्योंकि भाई इतने भी नहीं आते यूट्यूब से, तो वैसे हम देखूंगा यार पेड सर्वर मिल जाता है मुझे। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिव्यराज सिंह राव ने, और ये पूछते हैं कि मैं वीडियोज में कौन सा मोबाइल यूज करता हूँ। तो मेरे मोबाइल है ये असुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। तो तुम्हें क्या लगा था ये असुस रोग होगा? अरे नहीं भाई, काफ़ी पुराना मोबाइल है, मुझे पता है। इसी वजह से यार मोबाइल चेंज करने से पहले, मगर मुझे PC लाना है, तो इसी वजह से मोबाइल को मैं चेंज करने के बारे में अभी तो नहीं सोच रहा, शायद 2-3 साल होने वाले इसे। बाकी ठीक है यार, अभी भी सही चलता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 hours later। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है जी फिल्म गेमर ने, और ये पूछते हैं व्हाट इज योर एजुकेशन, जो कि मैंने पहले बता दिया। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने फर्स्ट पोकेमोन वीडियो किसके मोबाइल से बनाया था, मम्मी के पापा के? तो वो मैंने बनाया था अपने भाई के मोबाइल से। हाँ भाई, अपना मोबाइल तो था ही नहीं उस टाइम पर। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं यूट्यूब पर क्यों आया, तो बस ऐसे ही वीडियोस बनाने। और इनका लास्ट का क्वेश्चन है कि मैं एडिटिंग में कितना टाइम देता हूँ, तो एडिटिंग में कुछ 4 घंटे में कर लेता हूँ, बाकी और एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो बाकी थोड़ी जल्दी भी होने लगी कुछ टाइम बाद। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है PokinetXYT ने, और ये पूछते हैं कि क्या मैं और सुमित फ्रेंड्स हैं? तो हाँ भाई, हम लोग फ्रेंड्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे वाले। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं पोके गेमर का सब्सक्राइबर हूँ? तो हाँ भाई, वैसे हम लोग भी फ्रेंड्स हैं पोके गेमर और मैं, तो शायद एक दूसरे के सब्सक्राइबर तो होंगे ही, लेकिन क्या पोके गेमर भाई तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, कमेंट में बताओ जल्दी। और हाँ, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोकेट्यूबर्स कॉम्बेटिक टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में हारने के बाद मुझे कैसा लग रहा है? भाई क्यों पूछा ये? नहीं, अच्छा नहीं लगने का भाई, बिल्कुल भी किसी को भी अच्छा नहीं लगने का। फर्स्ट राउंड में गया था मैं, तो यार 1 like equal 1 win, ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजय अधिकारी ने, और ये पूछते हैं कि मैं कितना अर्न करता हूँ यूट्यूब से? तो देखो भाई, एक पार्ले जी खाने के पैसे हो जाते हैं। नहीं भाई, वो यूट्यूब ना वैसे बता नहीं देता अपने पैसे की हम कितना अर्न करते हैं, तो हम बता नहीं सकते किसी वीडियो में कोई पॉलिसी है शायद से। और बाकी भाई, तुम कभी भी किसी फॉरेन को इंडिया वाले से कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि फॉरेन में ना उनका CPM बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारे मुकाबले। भाई हमें तो उनका 10% भी नहीं मिलता। और बाकी हमारा क्यों नहीं होता है यहीं पर ही एंड। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आया होना तो यार दिल से माफ करना, बाकी नेक्स्ट क्यों नहीं में तुम ट्राई कर सकते हो, जो कि शायद 1 million पर होगा। काश हो जाए हमारे 1 million, तुम लोग ये करा सकते हो। तो बाकी आज वीडियो होती है यहीं पर खत्म। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना, और चैन कैसे Q&A में बोलते हैं क्या, शायद नहीं बोलते भाई, मेरा तो यही आउटरो था। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।